afternoon, students. Good afternoon, sir. कल तो बच्चे बहुत आए थे ऑफलाइन में, मेरा मन खुश हो गया था बच्चों को देखकर कि पढ़ाई में मजा आने लगा। आज ऑनलाइन में बच्चे ही कम हो गए। इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास हुई थी आप लोगों की? लिखो, तो आप लोग लिखना शुरू करो। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? मैंने जो कल बताया था आप लोगों को, पूरी क्लास को कुछ बातें समझ में आई थी कि नहीं आई थी? यस सर। बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या समझे आप लोग, थोड़ा थोड़ा सब बच्चे बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? हरिओम कुमार बताओ। हरिओम। यस सर। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताओ कुछ। सर क्लाउड कंप्यूटिंग में सर हम ऑनलाइन वर्क करते हैं सर, किसी सर्वर पे सर। और सर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा से आप लोग समझ पाते हैं, ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत है आप पूरी क्लास को। क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? यस सर, थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बताएगा हरिओम। रोहित कुमार रोहित यस सर बताओ क्लाउड कंप्यूटर कल क्लास में थे कि नहीं तुम? यस सर। तो क्लास में थे तब तो बताना चाहिए बेटा आपको। क्या सर क्वेश्चन सर बोलिएगा तब ना। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट डू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? सर क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि सर हम लोग कुछ भी ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस पर क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक हार्डवेयर शेयरिंग थ्रू द नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग थ्रू द नेटवर्क, डेटा एक्सेसिंग थ्रू द नेटवर्क एंड डेटा स्टोरिंग ऑन एनी सर्वर थ्रू द नेटवर्क, इस पर क्लाउड कंप्यूटिंग। गौतम मिश्रा, गौतम मिश्रा यू आर लिसनिंग मी? गौतम मिश्रा कृष्णा कुमार कोई बच्चे तरुण कुमार खुशबू कुमारी, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। रोहित मिश्र, गौतम मिश्रा कुछ बोला नहीं जवाब में, खुशबू कुछ बोली नहीं। यस सर। आप नहीं बोलोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? वन वे कम्युनिकेशन से कैसे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम समझ रहे हैं कि आप बस ऑनलाइन अटैच हो गए फिर आराम से सो रहे हो सब लोग। ठीक है, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं लिखवा रहा हूँ। कल लिखवा दिए थे ना? यस सर। पूछते हैं तब जवाब क्यों नहीं दे पाता कोई बच्चा? सर बहुत कोई नहीं लिखा हुआ है सर, एक बार और लिखवा दीजिए। रिपीट है, ठीक है, हो तो गया सर, करेक्टिस भी इसका हो गया, बेनिफिट भी हो गया है। जैसे करेक्टिस में 3 लाइन तक लिखवाया था आपने। अब मैं थोड़ा सा और लिखवा दूंगा और नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे लिया जाता है, ठीक है? यस सर। कैसे हम सर्विस देते हैं कंपनी से ऑनलाइन, ठीक है ना? यस सर। मेरा एक कंपनी में AWS में मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक एक चीज कैसे हम सर्विसेज को लेते हैं ऑनलाइन, कैसे सॉफ्टवेयर लेते हैं, कैसे स्टोरेज खरीदते हैं,
मतलब आप समझ जाओ, ओवरव्यू समझना है, खरीदना नहीं है हम लोग को ओरिजिनल में, है कि नहीं? ऐसी तरह है सर, लेकिन तरीका जानना चाहिए, जैसे आप तरीका जानना चाहिए, ठीक है? यस सर। देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर उसमें तीन लाइन लिखवा चुके थे, आगे लिखवाइए। क्या क्या लिखवाया था मैंने? एजिलिटी क्या होता है सर, एक बार रिपीट कीजिएगा। एजिलिटी का मतलब कि कोई भी एक होता है सेंट्रलाइज्ड क्लाउड जो वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। तो जब क्लाउड जो वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में और ये रिसोर्सेज वेरी फास्ट शेयर करता है और जो भी वर्क है वर्क भी वेरी फास्ट शेयर करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से समझना, बहुत कान खोल के। एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी इंफोसिस है, उसके पास कोई प्रोडक्ट बनने के लिए आया, कोई सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया, सॉफ्टवेयर काफी बड़ा है तो कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को 10 मॉड्यूल में बांट दिया, 10 मॉड्यूल में कंपनी ने बांट दिया। 2 मॉड्यूल का काम करा रहा है कंपनी इंडिया में, 2 मॉड्यूल पे काम हो रहा है अमेरिका में, 2 मॉड्यूल पे काम हो रहा है इंग्लैंड में, 2 मॉड्यूल पे काम हो रहा है फ्रांस में, क्योंकि इन्फोसिस की ऑफिस सारे देश में है, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर क्या बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं हो? तो ये जब सारे मॉड्यूल का काम अलग अलग हो रहा है पूरी दुनिया के 8 देशों में हो रही है 10 मॉड्यूल पे काम, तो जब सब प्रोग्रामर भी कोड शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के कोड को देखते हैं कि आपका मॉड्यूल का काम कहां तक पहुंचा, ये मॉड्यूल का काम कहां तक पहुंचा आपके मॉड्यूल, तो जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोड शेयरिंग होती है कि नहीं? यस सर। एबेक्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है ना? यस सर। जैसे जूम पे ही मैं पढ़ा रहा हूं तभी मैं कोड शेयर कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, लेकिन yes, उसमें क्या होता है कि जो कंट्री लेवल पे कोड शेयरिंग करते हैं उसमें चलता कोड, मान लीजिए इंडिया में 2 बच्चे हैं रमेश और सुरेश, अमेरिका में 2 लोग हैं बॉब और मॉब, ये चारों लोग बैठेंगे तो फोन से बात करेंगे तो कोड तो पता चलेगा नहीं चलेगा? तो कोड शेयरिंग करेंगे देन दे विल शेयर द कोड दैट हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड, हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट दैट कोड टू रन द सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आ रही है? एजिलिटी समझ गए आप लोग? क्लाउड जो वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में और ये क्या करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं बच्चों? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर का रिसोर्स, सॉफ्टवेयर क्या है, एक रिसोर्स है, हार्डवेयर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कोई जावा का बंदा है, जावा की कंपनी में जॉब करता है और उसे जावा में काम करना है तो वो क्या है, जावा के लिए रिसोर्स है, टेस्टिंग के लिए रिसोर्स, डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिसोर्स, नेटवर्किंग के लिए रिसोर्स। आपके कॉलेज में नेटवर्क इंजीनियर हैं जितेंद्र सर, है कि नहीं? नहीं मालूम है सर। कॉलेज ही कम आओगे घूमोगे कम तो मालूम कहां से रहेगा? रेगुलर है, ठीक है। तो सब रेगुलर है, फिर भी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी रिसोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स, चाहे वो आदमी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो,
कुछ भी हो सब क्या है रिसोर्स है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं इतना बोल देता हूं कि समझ रहे हो मेरी बात, तब भी कोई ना यस सर बोलता है ना नो सर बोलता, मतलब हमारा पढ़ाना बेकार हो जाता है। यस सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। और फर्स्ट पॉइंट एजिलिटी लिख लिए थे आप लोग? यस सर लिख लिए थे। सेकंड पॉइंट हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये लिखे हो? हैं? नो सर। लिखिए सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का सेकंड पॉइंट है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हाई, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिखो सर हाई एबिलिटी और हाई अवेलेबल समझते हो ना आप लोग? यस सर, अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर्स इज हाई, द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर्स इज हाई, द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर इज हाई। कोई बोलता लिखवाए, कोई बोलता नहीं लिखवाए, क्लास ऐसे में चलेगी? सर अभी कौन बोला नहीं लिखवाने के लिए, सर लिखवाइए ना। चलो ये लाइन लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर्स इज हाई एंड मोर रिलायबल, and more reliable because the chances of infrastructure failure are minimum, because the chances of infrastructure failure are minimum. third point likhiye, रिपीट कीजिएगा सर। इसमें क्या हुआ, पहले आपके पास हार्डवेयर नहीं होता था, रिसोर्स की दिक्कत थी, तो आपका कभी सर्वर फेल कर जाता था। अब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप ऑनलाइन ऑन डिमांड तुरंत अगर देखोगे कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऑनलाइन ऑन डिमांड सर्वर इमीडिएट अवेलेबल हो जाएगा, तो चांसेज ऑफ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर होने का है वो मिनिमम हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर, समझ रहे हैं सर। लेकिन सर एक बार समझे कर दीजिए ना सर, ऑनलाइन। अरे एक बार रिपीट कर दीजिए। समझे कि नहीं? यस सर, जो लिखवा रहे थे सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या बोले सर? जो लिखवाए उसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर, छूट गया। और किसी को अगर समझ में नहीं आए तो तुरंत रेज हैंड कर लेना, ठीक है? कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत हो समझ में तो अपना रेज को, हैंड को रेज कर लेना। फिर से लिखवाइए, एक्सप्लेन कीजिए सर। थर्ड पॉइंट लिखिए हाई स्केलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी। स्पेलिंग सर, कि क्लाउड ऑफर्स, इसमें लिखिए हाई स्केलेबिलिटी में लिखिए क्लाउड ऑफर्स ऑन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, क्लाउड ऑफर्स ऑन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ऑन ओएन ऑन ए लार्ज स्केल, क्लाउड ऑन ए लार्ज स्केल। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या बेटा? रिपीट कीजिएगा सर।
पीडीएफ भेज देंगे, घबराओ मत। फिर से रिपीट करिए सर लाइन। क्लाउड ऑफर्स ऑन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ऑन ए लार्ज स्केल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर सेकंड और थर्ड पॉइंट का? थर्ड पॉइंट है ना, सेकंड का सर हाई एबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसका मतलब हुआ पहले कोई सर्वर मान लिया डेटा ज्यादा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्वर फेल कर जाता था, तो जैसे बैंक में तुम लोग सुनते थे, इंडिया में आज भी सुनते हो कि लिंक फेल कर गया, ठीक है? यस सर, यस सर। तो उसी तरह सर्वर फेल हो जाता था, लेकिन अब क्या है, क्लाउड के चलते आपको लगे कि अगर आपका सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है तो ऑनलाइन ऑन डिमांड आप नया सर्वर रेंट पे तुरंत ले लो, ताकि फेल्योर होने का चांस कम से कम हो। समझ गए? यस सर। क्या? यस सर। कैसे खरीदेंगे सर? कैसे समझेंगे? आपको जैसे मोबाइल में प्रॉब्लम आने लगता है, कैसे खरीदेंगे सर? कुछ अब दिक्कत आ जाएगा बहुत जल्द, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, जबरदस्ती आप चलाए जा रहे हो, लेकिन समझ तो जाता है सब बच्चा कि टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरह जो सर्वर इंजीनियर होते हैं वो समझ जाते हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम आ चुकी है और किस लेवल का प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मेरी बात सर? हाँ। सर्वर का रेंट क्या होता होगा सर? किस चीज का रेंज, पैसे में या मेमोरी में? पैसे में। पैसा में। अच्छा अच्छा सर्वर करोड़ों रुपया में आता है, करोड़ों मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसे आता है। समझ गए? देखना है तुमको क्या लग तो रहा है। हाई स्केलेबिलिटी आप लोग लिखे? यस सर, लिख लिया, आगे बोलिए। हाई स्केलेबिलिटी समझ रहे हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, लार्ज स्केल पे है। लार्ज स्केल मतलब हर रिसोर्स काफी ज्यादा है, सो प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं के बराबर है। फोर्थ ऑप्शन लिखिए, मल्टी शेयरिंग। मल्टी शेयरिंग लिखिए, विथ द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टी शेयरिंग में लिखिए, विथ द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कॉमा multiple users and applications can work more efficiently with cost reductions by sharing common infrastructure। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, लगता है कि कहां सो गए, मतलब नींद में सो नहीं गए सर। आप जो बोल रहे हैं लिख ही रहे हैं। लिख रहे हैं सर।
एक बच्चा वेटिंग में है, मैसेज किया, थोड़ा उसको लेने दो ऑनलाइन। यस। बच्चे का नाम है दीपक कुमार एंड अमीशा कुमारी। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, सब लोग इससे पहले किसकी क्लास चली थी सब्जेक्ट के पहले, हमारे सब्जेक्ट के पहले? संजना मैम की। संजना मैम की क्लास थी 12 से 1, 1 से 2 क्या हुआ? नहीं हुआ सर, छुट्टी था सर, छुट्टी था। एक से का था मैथ का, नहीं हुआ। एक से दो लव सर का था? नहीं, अभी से एक सर था। क्लास नहीं हुई? नहीं नहीं हुई, छुट्टी था, नहीं हुई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई सर आपका नेटवर्क सब सो गया था सर। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइस एंड। आप लोग घबरा क्यों रहे हो इतना? मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा सर। ऑनलाइन में नींद आने लगती है। क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, कुछ सुनाई देता नहीं देता है, और कुछ नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग को? सर नींद आ रही है। आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, मैं फैन बंद कर देता हूँ एक मिनट। है यस सर, यस सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। रोहित को नहीं आ रहा है, सो जाओ रोहित। ऑनलाइन में बड़ा दिक्कत है भाई। वैसे बोले तो सही, दिक्कत तो है। फैन ऑफ कर दिया, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, सर ये आ रही है। तो इस चीज को पहले तुम लोग क्यों नहीं बोले? देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। क्या सर रिपीट? डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। यस सर, हो गया। देखो डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स कहीं भी रखा हुआ है, आप इंडिया में काम कर रहे हो मान लीजिए कंप्यूटर पे बैठ के, लेकिन आप सॉफ्टवेयर कहीं से भी ले सकते हो क्लाउड के थ्रू, बेंगलोर से, दिल्ली से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, हर जगह से आपको सॉफ्टवेयर मिल जा सकता है। और इसमें है ही कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिलेगा, हमको सब रिसोर्स ऑनलाइन मिलेगा, तो यूजर कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है कि नहीं? यूजर्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वाया ऑनलाइन होना है, वाया इंटरनेट होना है, तो यूजर्स के लिए लोकेशन नहीं है कि आप बेंगलोर में रहोगे तभी आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे। यू कैन कनेक्ट विथ एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? यस सर। लिखिए क्लाउड, अब इसमें लिखिए डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स, enables, इनेबल्स द यूजर्स क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द यूजर्स to access systems, using a web browser regardless of their location, regardless of their location or what device they use and accessed via the internet accessed via the internet
कॉमा यूजर्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, यूजर्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, आप लोग लिख लिए सब बच्चे? सर एक लाइन छूटा हुआ है, सिस्टम से यूजिंग ए वेब ब्राउजर वाला क्या बोले थे आपने? फिर से मैं बोलता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस सिस्टम यूजिंग ए वेब ब्राउजर, यहाँ तक लिखे हो? सर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और What device they use? लिखे इतना? Yes sir, इतना हो गया, आगे लिख चुके हैं sir. And accessed via the internet, comma users can connect from anywhere. समझ रहे हो ये चीज? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो. पंद्रह बच्चे हैं क्लास में, पंद्रह में किसी को डाउट नहीं है? नो सर. हमारे बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट है इसका मतलब. नेक्स्ट पॉइंट लिखे मेंटेनेंस. क्या बोले सर? मेंटेनेंस. सर स्पेलिंग मेंटेनेंस के स्पेलिंग नहीं मालूम है, लिखो एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई. अच्छा इसमें बताओ मेंटेनेंस इजी रहेगा होना कि ऑफलाइन के बनिस्पत या ऑफलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब सारा चीज ऑनलाइन. तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब ऑनलाइन बात कर रहे हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मेंटेनेंस कराना अपने सिस्टम का, अपने सॉफ्टवेयर का, अपने रिसोर्सेज का आसान रहेगा या टफ रहेगा, बताओ आप लोग? आसान सर. कैसे रहेगा ये बताओ. सर घर बैठे कोई भी काम करवा सकते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. और कोई बताओ. खुशबू. ऑनलाइन सर करवा सकते हैं सर. वेरी गुड. और कोई बताओ. खुशबू कहाँ है? यस सर. बताइए क्या कि मेंटेनेंस करवाना क्लाउड कंप्यूटिंग में इजी टास्क है कि टफ टास्क है? सर पहले सर मेंटेनेंस होता ही नहीं है ना, तो मेंटेनेंस क्या करवाना है? वो तो खुद ही जो प्रोवाइड करते हैं उससे यदि हम खरीद रहे हैं तो वो अपना वो खुद मेंटेनेंस करते हैं, हमको तो जरूरत नहीं होता मेंटेनेंस की. मेंटेनेंस क्या सॉफ्टवेयर, आप कुछ सॉफ्टवेयर बना के हम देते हैं किसी को तो मेंटेनेंस नहीं कराते क्या? सर हम तो उसको पेमेंट करें तो वो अपना सॉफ्टवेयर खुद ही ना मेंटेनेंस करेंगे. उसके लिए पैसा लगता है एनुअली, फ्री में कहीं कुछ काम नहीं होता सर. ये सर वो मैनुअली मतलब की वो मतलब सॉफ्टवेयर की जो कीमत है साल में या जैसे भी है, जिस तरह से ले रहे हैं वो पेमेंट उसी में तो सारा काम होता है, अलग से तुमको देना नहीं होता ना उसमें. बिल्कुल देना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए. एक एग्रीमेंट होती है कि आप 10 साल तक मेरा मेंटेनेंस करोगे सॉफ्टवेयर का, 5 साल करोगे. तो सर एक तो सर उसमें हम लोग का तो कुछ मतलब है नहीं इंटरवेंशन, सिर्फ पैसा देना होता है उसको फी और वो खुद ही क्या करता पैसा है, दे दिया और क्या हम मेंटेनेंस वो ढंग से कर रहा है या नहीं, हम परफॉर्मेंस पैरामीटर चेक करेंगे कि नहीं? तो सर वो तो यूज करेंगे तो पता चलेगा. हमने उसको कंप्लेन की कि फ्राइडे की शाम हमने कंप्लेन की कि मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मेरे हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, मंडे तक बन जाना चाहिए, और उसने 1 वीक टाइम बर्बाद कर दिया, 2 वीक टाइम बर्बाद कर दिया, तो उसका पैसा काटेंगे कि नहीं हम? सर्विस हम ब्रेक करेंगे कि नहीं अपनी सर्विस, जो हम सर्विस ले रहे थे मेंटेनेंस का उससे?
जैसे ब्रेक कर सकते हैं बट सर पैसा काट नहीं सकते क्योंकि पैसा तो नहीं काट सकते। आप सर्विस पुअर दीजिएगा तो क्या आपको एग्रीमेंट के हिसाब से जो काम होना चाहिए था नहीं कीजिएगा तो क्या सर एग्रीमेंट सर हम लोग पहले ही करा चुके होंगे तो सर बाद में उसमें कंडीशन रहता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो सर मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट क्या होगी ये बता सकते बट इजी होगा या हार्ड होगा ये हम लोग कैसे तय कर सकते हैं? मेंटेनेंस जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं तो मेंटेनेंस इजी होगा ना कि कॉस्टली होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें 1000 PC लगा हुआ है, कितना पीसी लगा हुआ है 1000 और उसमें ओरेकल न्यू वर्जन डलवाना है या ओरेकल का कोई टेबल हमें सारे सिस्टम टेबल ओरेकल के अंदर सिस्टम टेबल होता है वो सिस्टम टेबल हमें 1000 सिस्टम में डलवाना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रहने से क्या होगा कि दूर बैठा आदमी भी सब कुछ कर लेगा, जो भी क्लाउड टेबल में लैंग्वेज में जो भी चेंजेज होगा मेंटेनेंस के थ्रू वो सारा चीज कर देगा। कोई भी चेंजेज अपडेशन डिलीशन रिमूविंग दैट कम्स अंडर मेंटेनेंस सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो मेंटेनेंस में ऑनलाइन इसलिए अच्छा इजी पड़ेगा कि मान लीजिए आप बेंगलोर की कंपनी से आप अपने 1000 PC अपडेट करा रहे हो वो वहां से बैठा बिना इंजीनियर के इंजीनियर को भेजना भी नहीं पड़ेगा दिल्ली या पटना, वहां सारा सिस्टम को वो ऑनलाइन लेगा लोकेट करेगा उसके बाद आपके सिस्टम में वो जो भी कमी है ओरेकल का पैच डालना ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच डालना अपडेशन करना वो बैठे बैठे बेंगलोर से कर देगा। तो मेंटेनेंस क्लाउड कंप्यूटिंग में इजी होता है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? समझ रहे हैं सर। लिखिए तब मेंटेनेंस में लिखिए दो लाइन मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस में लिखिए आप लोग मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इज इजियर मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इज इजियर कॉमा सिंस कॉमा क्या लिखेगा सिंस they do not need since they do not need to be installed on each user's computer computer sir do not need to To be installed on each user's computer, and can be accessed from different places full stop so it reduces the cost also
नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट. क्या है? लो कॉस्ट. लो कॉस्ट, लो कॉस्ट इसलिए पड़ता है किसमें बिना ह्यूमन के आदमी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता. वो रिमोटली लोकेशन से रिमोटली वो सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी अपडेट करना है रिसोर्सेज जो भी देना है सब प्रोवाइड करवा देता है. इसलिए लो कॉस्ट होता. लिखो लो कॉस्ट में लिखो व्हाई यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. The cost will be reduced because the cost will be reduced because to take the services of cloud computing. Because to take the services of cloud computing. Full stop. आईटी कंपनी नीड नॉट टू टेक द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फुल स्टॉप. आईटी कंपनी नीड नॉट टू सेट नीड Not to set. Not to set की set sir. Set S E T. Not to set its own infrastructure. Not to set its own infrastructure. And pay as per usage of resources. इसका मतलब समझे आप लोग? नहीं सर. बहुत अच्छा काम किए. इंस्ट्रक्शन के अनुसार जैसे यूज पड़ता है उस तरह से पे करते हैं. और क्या इसमें ही है कि कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए. मान लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता है उसे 100 सिस्टम चाहिए इमीडिएट मोड पे तो उसके पास उतना कैपिटल नहीं है तो रेंट पे जितना उसको जरूरत है उतना वो ले सकता है और अपना काम कर सकता है. एज पर योर डिमांड यू आर पेइंग. जितना आप रिसोर्स यूज करोगे उतना आप पैसा पे करोगे. समझ गए कि नहीं समझे अभी भी? यस सर. क्योंकि आप सब कुछ खरीदोगे. मान लो एक सिस्टम आप खरीद लिए 50,000 रुपया लगा और एक आप मान लो कंपनी में 100 सिस्टम की जरूरत है आपको 50,00,000 रुपया लग जाएगा. लेकिन मान लीजिए अगर 100 सिस्टम मिल गया और 300 रुपया किराया लग रहा है 30,000 महीने पे काम शुरू हो गया. कौन सही है? कौन सही है बेटा? चुप ही हो जाते हो क्या पूरी क्लास? सर जिसमें कम कॉस्ट हो वो सही है. हेलो सर, आपको इमीडिएट में ज्यादा पूंजी लगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ज्यादा पूंजी नहीं लगा. आपका काम रेंट पे चल गया और सारा रिसोर्स आपका काम ब्रेक नहीं हुआ. समझ रहे हो कि नहीं बात? समझ रहे. अब अटेंडेंस बनाया जाए. अटेंडेंस बनाए बोलो सर. हेलो. हाँ बोलो. यस सर, अटेंडेंस बनाइए. आप तो फिर ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं हुआ? ये भैया इसके सिंधु सर बता पाएंगे इसके लिए.
कभी सर एक क्लास होता है कभी नहीं होता है, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो ये बात सर से पूछ सही बात ठीक है सर, डायरेक्ट हम लोग के साथ मतलब अलग किसी ये हम लोग के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है सर। या फिर बात कर लो अपने हायर मैनेजमेंट से, मैंने बोल सकता कुछ ये है? सर जूम का एडवांटेज उठा रहे हैं सर लोग, आपको भी पता है जूम का एडवांटेज बताएं सर, जूम का एडवांटेज उठा रहे हैं सर लोग ऑफलाइन बंद करके। हम बंद करने वाले कौन होते हैं, हायर अथॉरिटी लेती है डिसीजन है सर, तो हायर अथॉरिटी तुम लोग चलते रहेगा, तुम लोग का फोटो ले लेते हैं हम अटेंडेंस का, रुको सर कैमरा ऑन करवाइए सबसे सर, स्माइल प्लीज सर कैमरा ऑन करवाइए सर, सब लोग कैमरा ऑन करो, एक बार चेहरा तो दिखा दो सब लोग, सबसे करवाइए सर, देखिए सर क्या कर रहा है, पढ़ रहा कि क्या कर रहा है, खेल कर रहा, कौन लड़का सुहानी इज वेरी अलर्ट मोड सीज इन एक्शन मोड, अभिषेक कृष्णा स्वाति खुशबू गर्ल्स आर वेरी अलर्ट मोड्स सी वांट्स टू स्टडी, स्वाति गुप्ता इज वेरी वर्किंग हार्ड, लड़के सब मस्ती करने में लगे हुए हैं, कृष्णा हाँ कृष्णा हीरो सर बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में है सब, अब कृष्णा से मिलेंगे परसों, देखिए स्वाति भी पढ़ रही है बेचारी, कृष्णा हीरो बन गया सर, ठीक है मैंने अटेंडेंस आप लोग का ले लिया, किसी का छूट जाएगा तो मुझे बाद में बता देना ठीक है सर, सर सर मेरा छूट गया सर 24 सर 24 ठीक है मैसेज कर देना मेरे मोबाइल पे ठीक है, रोल नंबर 8 सर, रोल नंबर 8 का मैंने फोटो ले लिया है, ओके बढ़िया टेक केयर आई एम एंडिंग द मीटिंग ओके, अब ये सर अभी सिर्फ 5 मिनट है सर, बीएससी आईटी को मुझे इनविटेशन देना है, बीएससी आईटी का क्लास है तुरंत तुम्हारे बाद जस्ट 3 बजे के टाइम में भेजेगा, ओके टेक केयर बाय, नहीं सर आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।